बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चने और गोश्त। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें कि हमारे जो चैनल का टाइमिंग है वो पूरी हो सके। तो शुक्रिया, चले वीडियो की तरफ चलते हैं। ये 2 किलो गोश्त हम लेके आए थे, 1 किलो प्याज हमने काट लिया धो के, थोम और अदरक ये भी कूट लिया, थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची डाली थी और 2-3 हरी मिर्ची, 1 पाव टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्ची, और ये 3 किलो चने हैं। रात को हमने भिगो के रखे थे, इसमें 3-4 हमने उबाले दे दिए हैं। ये चने हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए चने मेरे गल चुके हैं। चले अब हम गोश्त ऊपर रख लेते हैं चूल्हे के। सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 किलो घी इसमें ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया, अब हम इसमें प्याज कटा हुआ वो भी ऐड कर देंगे। इसको 2 मिनट रखेंगे, ये हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए। प्याज हमारे थोड़े से डाल देते हैं, अब हम इसमें लाल मिर्ची डालते हैं 4 चम्मच। तकरीबन नमक डालते हैं हम इसमें 2.5 चम्मच। टमाटर जो कट काटने वो भी डाल देंगे, और थोड़ी अदरक भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें गोश्त भी डाल देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लेंगे, थोमस की स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारा गोश्त है उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको भून लें, स्मेल भी ख़त्म हो गई है थोम की और अदरक की, और उसके बाद गोश्त की भी स्मेल ख़त्म हो गई है, बहुत प्यारी आ रही है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसका जो घी है वो छोड़ दें। उसके बाद हम इसमें चने ऐड करेंगे, अभी 5 मिनट इसको और भूनेंगे, इसको ढक के रखते हैं। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। अब तकरीबन हम 1/2 घंटा इसको पकाएंगे, तो 1/2 घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं।
लेकर चने हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची डालते हैं। काली मिर्च और जीरा वो भी इसमें डाल देंगे। तैयार हो चुका है। अब चूल्हे को हम करके बंद इसको नीचे उतार लेते हैं।